डियर स्टूडेंट माई सेल्फ अभिलाष मिश्रा कंप्यूटर ट्रेनर, मेरे यूट्यूब चैनल न्यूरल कंप्यूटर क्लास में आपको स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपलोड आपको मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट आज हम बात करेंगे वेट के बारे में। वेट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, कीमत में जुड़ा हुआ कर जो होता है हम वेट कहते हैं। आप उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उससे रिलेटेड कंप्यूटर नाम टैली जो होती है ईआरपी 9 टैली में उस रिलेटेड टॉपिक करेंगे। तो आइए मैं आपको बात करता हूँ टैली। सबसे पहले टैली में हम वेट के बात करेंगे। व्हाट इज वेट, वेट क्या है, व्हाट इज वेट, वैल्यू एडेड टैक्स इसको हम बोलते हैं हिंदी में, कीमत में जुड़ा हुआ कर जिसे हम बोलते हैं टैक्स। अब वेट की डेफिनेशन आपको बताता हूँ या आपको परिभाषा उसके बारे में बताता हूँ। वेट वेट वह कर होता है जब हम किसी वस्तु को परचेज करते हैं और सेल्स करते हैं, मतलब किसी वस्तु को खरीदेंगे और बेचेंगे, उस वस्तु पर लगने वाला टैक्स वेट कहलाता है। उस वस्तु पर लगने वाला टैक्स क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। अब क्या होता है, जैसे हम कोई भी वस्तु को परचेज करते हैं तो परचेज के साथ हमारा इनपुट वेट लगेगा और सेल्स के साथ हमारा आउटपुट वेट लगेगा। समझ में आ गई आपको। कोई भी वस्तु अगर हम खरीदेंगे, जैसे कि मान लो मैं ये मार्कर खरीद रहा हूं और ये कंपनी ने इस पर ही टैक्स लगा के दिया, तो उस पर ही पहले ही उन्होंने अपने परचेज टैक्स उन्होंने लगा रखा है। और अगर जो तो हमारे शॉपकीपर दुकानदार जो होते हैं उन्होंने अपना वेट का रखा, वेट लगा हुआ उसको अपना उन्होंने अपने आउटपुट वेट लगाने के बाद तभी वो हमें सेल्स करते हैं। जैसे कि आप लोग अब हम नए तौर पर जीएसटी कर रहे हैं, जीएसटी जो होती है गुड सर्विस टैक्स होती है, तो उससे भी आपने वेट का नाम सुना होगा। देखो पेट्रोल के दाम घट गए बढ़े तो वो वेट बढ़ा दिए यूपी में, तो वो सारी चीजें होती है। तो आपको मैं बताता हूँ, परचेज के साथ कौन सा वेट आएंगे, इनपुट वेट, और सेल्स के साथ हमें आएंगे आउटपुट वेट। मतलब इनपुट मतलब वो इन हमारे पास आ रहा है सही है, और आउटपुट हमसे जा रहा है, तो वाले वेट होगा। अब हम बात करते हैं वेट के रेट के बारे में बात करेंगे। तो वेट का जो रेट होता है वो 1% से बढ़कर 1.5% हो गया। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठाते हैं जो सुनारों की दुकान होती है, उन्होंने जो हमारे क्या है उसका वेट बढ़ गया। तो मेटल पीस होते हैं धातु, धातु पे पहले 1% टैक्स लगता था सोने धातु पे, अब कितना हो गया, वो 1.5% हो गया। उसी के बाद दूसरा जो वेट होता है वो 4% होता है, 4% से बढ़कर कितने परसेंट हो गया, 5% है। बुलिंग आइटम का मतलब क्या है, 1 रुपए से लेकर 9,999 रुपए की जो भी आइटम होंगे बुलिंग आइटम में आते हैं, उनसे जो हमारा टैक्स वो कितने परसेंट होगा, हमारा 4% से बढ़कर 5% हो गया। दूसरा हम बात करेंगे जैसे कि हमारे वॉशिंग मशीन हो गई या फ्रिज हो गई, ये हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं पहले हमारा 12.5% लगा है, जो करंट में जो हमारा बिल होगा 13.5% लगा है। और 20% वेट का मतलब क्या, 20% वेट तो एनए नॉट एप्लीकेबल फॉर यूपी, यूपी में तो अभी तो 20% वेट नहीं लग रहा, पर ये दिल्ली वगैरह जो है, दिल्ली जो है, दिल्ली वगैरह में क्या हमारा 20% जो वेट है वो हमारा अवेलेबल है वहां पे लग रहा है। तो ये तो अपने वेट से रिलेटेड है। अब मैं वेट से रिलेटेड आपको तीन टॉपिक्स कराऊंगा टैली में। पहला हमारा हुआ सिंपल वेट, पहला क्या हुआ हमारा सिंपल वेट, सिंपल वेट, सिंपल वेट मतलब हो गया वैल्यू एडेड टैक्स। हमारा मैं आपको बता रहा हूँ पहले टॉपिक में कि हमारे 4% का वेट कैसे लगता है, सिंपल वेट में हमारे 4% से रेट आपको बताऊं। फिर उसको आता है डबल, डबल वेट के में, डबल वेट के बारे में आपको बताऊंगा। डबल वेट इसमें क्या है, 4% मान लो कॉमा या 5% जो हमारे वेट होंगे, उसके बाद अब ये इसमें दोनों में से एक लगेगा, कोई सा भी 4 का रेजर बना लो या 5 का बना लो, उसके बाद में 12.5 या 13.5% भी होंगे उस रेंज। उसके बाद अगला टॉपिक समझाऊंगा मैं आपको, थर्ड टॉपिक जो होगा वो आपका ऑल वेट होगा। कौन सा होगा, ऑल वेट, मैं आपको बता रहा हूं उसमें ऑल वेट होगा। ऑल वेट का मतलब क्या है कि जो हमारे वेट होते हैं 1%, 5%, 13.5% और 20%, इन सबका आपको पूरा बताया जाएगा कि वेट कैसे हो, मतलब वेट कैसे ला जाते हैं। तो आइटम पे लाएंगे ये सारे वेट जो होते हैं वो आइटम पे लाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आपको क्लास कैसे लगी, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपलोड आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।